अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जनूबी कोरिया के नए सदर योन सुक योल की हलफ बर्दारी। नए सदर ने अपने फराइज को वफादारी के साथ अंजाम देने के आज़्म का किया इजहार। श्रीलंका में मुजाहिरीन की साबिक वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्सा की सरकारी रिहायशगाह में घुसने की कोशिश। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस ने राजापक्सा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। वजीर आजम मोदी ने 1857 के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, उस दिन की तारीखी पहली जंग आजादी ने हमारे साथी शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा रोशन किया। बुजदिल लोग पंजाब का अमन अमान खराब करना चाहते हैं। पुलिस मोहाली ने होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान का बयान। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 190.5 करोड़ से मुतजावज। राजधानी दिल्ली में गर्मी की लहर जारी। गर्मी की लू से आवाम परेशान। दिल्ली में बुध को गर्मी की लहर के मजीद बढ़ने का इम्कान। येलो अलर्ट जारी। और आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पी नारायणा गिरफ्तार। 10वीं जमात के सरकारी इम्तिहानात के पर्चे सवालात लीक होने के सिलसिले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। तूफान आसानी की पेशकदमी जारी। एपी में बारिश, बचाव टीमें सरगर्म, कई फ्लाइट्स मंसूख। और अब खबरों की तफसील। जनूबी कोरिया के नौ मुंतखब सदर योन सुक योल ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के नौ मुंतखब सदर का कहना है कि शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों को मुकम्मल खत्म करना होगा। योन सुक योल ने कहा है कि सदर के फरहाइज को वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अमेरिका से मिलने वाली इतलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन रवा माह जनूबी कोरिया का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जमान जीन साकी का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन दौरे एशिया में अपने जनूबी कोरियाई और जापानी हममनसब से कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे। जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल ने मंगल को कहा कि उनकी नई हुकूमत जजीरानुमा कोरिया के जौहरी मसले को पूरा तरीके से हल करने के लिए डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ बातचीत शुरू करेगी। योन ने सिविल में कौमी असेंबली में अपनी इफ्तिताही तकरीब में कहा कि उनकी हुकूमत देर पा अमन कायम करेगी, जिसकी जमानत बैन अल-अक़वामी बिरादरी के साथ यकजहती के जरिए दी जा सकती है। ख्याल रहे, योन ने अपनी 5 साल मुद्दत का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर शुमाली कोरिया DPR जौहरी फरोग को रोकता है और हकीकत में जौहरी तख़फीफ की तरफ बढ़ता है, तो हम बैन अल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा पेश करने के लिए तैयार होंगे जो शुमाली कोरिया की कोशिशों की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि मईशत के मियारी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सदर ने कहा कि जजीरा नुमा में पायदार अमन के साथ साथ एशिया और दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए जौहरी तख़फीफ असलहा जरूरी है। अफगान शहरी नूर अहमद ने हज की अदायगी के लिए अपनी साइकिल पर सफर का आगाज किया है। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नूर अहमद ने हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचने के लिए हुकूमत की जानिब से मुहैया की जाने वाली जहाज के सफर की सहूलत से इनकार करते हुए अपनी साइकिल का इंतखाब किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर अहमद को किसी किस्म के माली वसायल की कमी का भी सामना नहीं है। साइकिल पर हज का सफर करना नूर अहमद की अपनी ख्वाहिश है। नूर अहमद का अपने इस फैसले से मुतालिक कहना है कि मैं
मैंने हज के लिए ये सफर खुद से करने का इरादा किया है और मैं ये अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। वाज़ह रहे कि हर साल लाखों अफराद हज की अदायगी के लिए अपने मुल्कों से सऊदी अरब का रुख करते हैं और ये पहली बार नहीं है कि कोई अपनी साइकिल पर इस फरीजे की अदायगी के लिए तवील सफर करके मक्का मुकरमा पहुंचा हो। इससे कबल रूस का एक नौजवान साइकिलिस्ट अपनी साइकिल पर तवील सफर के जरिए हुज्जाज मुकद्दस पहुंचा था। 2016 में 24 साल रूसी नौजवान साइकिलिस्ट बोलात नसीबुल्लाह अब्दुल्ला ने एक कुम रमजान को सफर शुरू किया था और तकरीबन 6600 किलोमीटर का फासला तय करके हुज्जाज मुकद्दस पहुंचा था। श्रीलंका में मंगल को हजारों मुजाहिरों ने साबिक वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्सा की सरकारी रिहायशगाह के मरकजी दरवाजे में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद मुसल्ला फौजियों को राजापक्सा और उनके खानदानों को महफूज रखने के लिए फौरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया। मुजाहिरों की टेम्पल ट्री रिहायशगाह में दाखिल होने के बाद, जहां साबिक वज़ीर आज़म अपने अहल खाना के साथ छुपे हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने हुजूम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवा में फायरिंग की। साबिक वज़ीर आज़म के रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर कम से कम 10 पेट्रोल बम फेंके गए, हालांकि फौज ने उन्हें और उनके खानदान को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। राजापक्सा और उनके खानदान को फिलहाल एक खुफिया मुकाम पर ले जाया जा रहा है। ख्याल रहे, एक रोज कबल पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक रुकन पार्लियामेंट समेत 5 अफराद हलाक और 200 के करीब जख्मी हुए थे। मुल्क में कर्फ्यू और इमरजेंसी नाफिज होने के बाद भी राजापक्सा के आला अफसरान के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को 1857 की बगावत में शामिल बहादुरों को उनके जबरदस्त हौसला व हिम्मत के लिए खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने ट्विटर पर कहा, उस दिन 1857 में जब तारीखी पहली जंग आज़ादी ने हमारे साथी शहरियों में हुबुल वतनी का जज्बा रोशन किया और नौ आबादियाती हुक्मरानी को इकट्ठा उखाड़ फेंकने में ताउन किया, मैं उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं जो 1857 का बगावत का हिस्सा थे, जिन्होंने नाकाबिल यकीन जुर्रत का मुजाहरा किया। ख्याल रहे, 1857 और 59 की बगावत हिंदुस्तान में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी के खिलाफ एक वसी लेकिन नाकाम बगावत थी। उसका आगाज बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के सिपाहियों की बगावत के तौर पर हुआ, लेकिन आखिरकार उसमें अवामी शिरकत हुई। इस बगावत की कई नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तानी बगावत, अजीम बगावत, 1857 की बगावत, हिंदुस्तानी बगावत और आज़ादी की पहली जंग वगैरह। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोहाली में धमाके को ऐसे लोगों की बुजदिलाना कार्रवाई करार दिया है जो रियासत में अमन अमान को खराब करना चाहते हैं। केजरीवाल ने आज एक ट्वीट में कहा, मोहाली धमाका उन लोगों की बुजदिलाना कार्रवाई है जो पंजाब के अमन अमान को खराब करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब हुकूमत उन लोगों के मनसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। पंजाब के सभी लोगों के ताउन से हर हाल में अमन कायम किया जाएगा और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने कहा, पुलिस मोहाली में होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है, जिसने भी हमारे पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। काबिले जिक्र है कि धमाका पीर की रात पंजाब पुलिस के मोहाली में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में हुआ था। इस धमाके में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। धमाके के बाद पंजाब पुलिस ने गर्दनुहा में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। माहौल खराब करने दी कोशिशा जिड़िया देश के दुश्मन वालों होंदिया रहिंदिया ने और पंजाब का जिहड़ा भाईचारा वो इन्ना मजबूत है कि उन्हां दी कोशिशों के बावजूद उन्हें वो अपने इरादियां सफल नहीं होंदे। कल रात जो मोहाली दे विच घटना हुई है, मैं DGP साहब नाल सारे इंटैलीजेंस के अफसर नाल मीटिंग ली है और सारा डिटेल जिहड़ी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएगी तो जड़ां तक पहुंच जाएंगे। तो मैं यही बार बार कहना चाहता थोड़े जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सज़ा मिलेगी। माहौल खराब करने की
केरला के वजीर आला पनराई विजयन मंगल को इलाज के बाद अमेरिका से वापस लौट गए। वजीर आला रोचेस्टर मिनेसोटा के क्लिनिक में जेर इलाज थे। अमेरिका में अपने क्याम के दौरान वजीर आला ने ऑनलाइन काबिना के इजलासों में शिरकत की और अहम ई फाइलों पर दस्तखत किए। ये तीसरा मौका था जब वजीर आला इलाज के लिए अमेरिका गए थे। उनके साथ उनकी अहलिया टी कमला और प्राइवेट वर्कर वी एम सुनेश भी थे। इससे काबिल 2018 और जनवरी 2022 में मियो क्लिनिक में उनका इलाज किया गया था। इससे काबिल चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म जारी किया था कि रियासती हुकूमत वजीर आला के दौरे अमेरिका से मुतालिक तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 190.50 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 190.50,86,706 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दरियासना मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क में 12 से 14 साल के दरमियान 3 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के बच्चे अहम हिस्सा डाल रहे हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के मजीद 2,288 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 19,637 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.05% है। योमिया केसेस की शरह 0.47% तक पहुंच गई है। राजधानी में गर्मी की लहर जारी रहने और दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि दिल्ली में बुध को गर्मी की लहर के मजीद बढ़ने का इम्कान है, जिसके पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 14 और 15 मई को ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। आज सुबह 5:30 बजे कम से कम दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। हवा में नमी का तनासुब 61% रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के पेंडोशन गांव में गुज़िश्ता शब तसादुम के इब्तदाई मरहले के दौरान जख्मी होने वाला आम शहरी मंगल की सुबह यहां एक फौजी अस्पताल में जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ गया, जबकि दोस्त दीगर जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ताहम जराये के मुताबिक जंगजू जाए तसादुम से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का ऑपरेशन रोक दिया है। सरकारी जराये ने बताया है कि शोपियां के पेंडोशन गांव में गुज़िश्ता शब तसादुम के दौरान एक फौजी जवान और 2 आम शहरी जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए फौरी तौर पर फौज के 19-20 अस्पताल मुंतकल किया गया, जहां उनमें से एक शहरी मंगल की सुबह जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तूफानी हवाओं, बारिशों और झालाबारी के बाद वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर अगले 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 16 मई तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उधर वादी में सियाहती मुकाम पहलगाम के बगैर शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर कदरे गिरावट दर्ज की गई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोरा आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पी नारायणा को पुलिस ने 10वीं जमात के सरकारी इम्तिहानात के पर्चे सवालात लीक होने के बाद सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के कोंडापुर में वाकई उनके मकान से पुलिस ने उनको गिरफ्तार करते हुए पड़ोसी रियासत मुंतकल किया। नारायणा जो तालीमी इदारों के सरबराह हैं से पूछगुछ की जा रही है। उनका ताल्लुक रियासत के असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम पार्टी से है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कुमरपल्ली के करीब मंगल की सुबह की अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार 2-व्हीलर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलुकीन की शिनाख्त
38 साल कृष्णैया, 33 साल रजिता और 12 साल राघवी के तौर पर की गई है। इस हादसे में एक और बेटी श्रावणिया जख्मी हो गई, उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहरी हैदराबाद के राजेंद्र नगर के नुहामी चलती कार में आग लगने का वाकया पेश आया था। हम इस वाकये के साथ ही ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को रोक दिया और अपनी जान बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट शुबा किया जा रहा है कि यह आग लगने की वजह है। पुलिस ने बताया है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब कार मेहदीपट्टनम इलाके से मोइनाबाद के सिमत जा रही थी। इत्तला के साथ ही फायर इंजन वहां पहुंचा और आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस वाकये के साथ ही गंडीपेट राजेंद्र नगर इलाके में ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करने में कामयाबी हासिल की है। मगरबी वस्ता और उससे मुतसिल जनूब मगरब खलीज बंगाल पर बने शदीद समंदरी तूफान आसानी की पेश कदमी 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जारी है, जिसके नतीजे में साहली आंध्र प्रदेश में रात में कई मुकाम पर शदीद बारिश हुई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि बुध को शुमाली साहली एपी में बाज मुकाम पर हल्की तौसत बारिश होगी, साथ ही साहली उड़ीसा और मगरबी बंगाल में कई मुकाम पर बारिश होगी। NDRF और SDRF की टीमों को बचाव और राहत कामों के लिए साहली एपी में तैयार रखा गया है। इस समंदरी तूफान के नतीजे में विशाखापट्टनम के साहिल पर तेज तूफानी मौजें उठ रही हैं। तूफान के पेश नजर 10 फ्लाइट्स बशमूल हैदराबाद विशाखापट्टनम जयपुर और मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स को चेन्नई एयरपोर्ट पर मंसूख कर दिया गया। मुसाफिरों को इस बात की इतला दे दी गई है। एहतियाती इकदाम के तौर पर इंडिगो की फ्लाइट्स को भी मंसूख कर दिया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जनूबी कोरिया के नए सदर योन सी क्योल की हलफ बर्दारी, नए सदर ने अपने फराइज को वफादारी के साथ अंजाम देने के आज़्म का किया इजहार। श्रीलंका में मुजाहिरों की साबिक वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्सा की सरकारी रिहायश गाह में घुसने की कोशिश, पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजापक्सा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। वजीर आजम मोदी ने 1857 के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया, कहा उस दिन की तारीखी पहली जंग आजादी ने हमारे साथी शहरियों में हुब्बुल वतनी का जज्बा रोशन किया। बुजदिल लोग पंजाब का अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, पुलिस मोहाली में होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान का बयान। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी, मुल्क में कोरोना वैक्सीन लेने वालों की तादाद 190.5 करोड़ से मुतजावज। राजधानी दिल्ली में गर्मी की लहर जारी, गर्मी की लू से आवाम परेशान, दिल्ली में बुध को गर्मी की लहर के मजीद बढ़ने का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पी नारायणा गिरफ्तार, 10वीं जमात के सरकारी इम्तिहान के पर्चे सवालात लीक होने के सिलसिले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। और तूफान आसानी की पेशकदमी जारी, एपी में बारिश, बचाव टीमें सरगर्म, कई फ्लाइट्स मंसूख। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही, ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।